2002 के बाद गुजरात का पहला चुनाव होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए अपना चेहरा नहीं होंगे। हमारे साथ गुजरात के चुनाव प्रभारी और देश के वित्त मंत्री मौजूद है अरुण जेटली, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, ये बताइए कि तीन बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में, एक GST, नोटबंदी और आंदोलन, किस तरह से निपटेगी बीजेपी? देखिए, चुनाव में केवल एक मुद्दा है और वो एक मुद्दा है कि गुजरात को अच्छा शासन रहे, विकास यात्रा कायम रहे, और गुजरात उस विकास की यात्रा पे चलेगा या गुजरात सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरणों के आधार पर बटेगा। गुजरात को किसी हालत में बटने नहीं दिया जाएगा, केवल एक मुद्दा है। बाकी जो विषय आप उठा रहे हैं वो कोई चुनाव में बड़े मुद्दे नहीं है। आज आपकी मीटिंग किस तरह से रही? मेरी बहुत अच्छी मीटिंग रही। व्यापारियों ने इस बात की सराहना की कि जो जो विषय उन्होंने उठाए थे 48 घंटे में सरकार ने उसका हल निकाला और उनके अधिकतर मुद्दे सब हल हो चुके हैं। एक दो प्रोसीजरल विषय हैं, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिलाया, निश्चित रूप से हम उसको भी देखेंगे। छोटे सवाल, राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं गुजरात में और राफेल को लेकर भी बड़े सवाल उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र की मजबूरी उनको इस देश की सभ्यता और संस्कृति की ओर खींच रही है। इस दिशा में बाकी भी कांग्रेस खींचे तो ये अपने आप में बहुत अच्छा होगा। आज तक तो वो इस प्रकार के कामों से दूर रहती थी वो पार्टी। राफेल का कोई मुद्दा नहीं है, 2.5 साल हो चुके उस डील को, किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है। हमारे देश की एयरफोर्स को उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए राफेल आवश्यक था, एयरफोर्स ने ही उसको चूज किया, लेकिन 10 साल एक नपुंसक सरकार थी केंद्र में जिसने निर्णय नहीं ले पाई। आज हमारी एक सरकार ऐसी आई जिसमें क्षमता थी निर्णय लेने की, और इसलिए देश की ताकत फौज की बढ़ती जाए इसकी आवश्यकता थी, और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और ये ईमानदारी का एकदम ट्रांजैक्शन है। कांग्रेस की चिट्ठा में जो डील्स होती थी जिसमें कहीं कॉकरोची मौजूद थे या कोई था, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ये बिल्कुल ईमानदारी की डील। 150 या उससे प्लस या उससे कम, बहुत बड़ी मात्रा में सीटें आएंगी जी। बिल्कुल, अरुण जेटली ने आश्वासन दिलाया है गुजरात में कि GST का फर्क नहीं पड़ेगा और गुजरात भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें ज़रूर लाएंगी। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन।